हेलो जी स्टूडेंट्स, टुडे विल बिगिन विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम देखेंगे कैपिटल क्या होता है एंड ड्राइंग्स क्या होती है। सो लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देयर इज अ पर्सन नेम्ड राम और राम को बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर ओपनिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही विल बी द ओनर एंड वॉट विल बी हिज रिक्वायरमेंट्स फॉर कमेंसिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? ऑफकोर्स कैश ही विल रिक्वायर, एंड बिजनेस के लिए उसे बिल्डिंग रिक्वायर हो सकती है, फर्नीचर, ओके, एनी अदर मशीनरी और अदर इक्विपमेंट्स। सो व्हेनेवर दिस राम द ऑनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट कैश और एसेट्स इन द बिजनेस, ओके, कैश हमने डिस्कस किया, एसेट्स भी डिस्कस की, क्या क्या हो सकती है, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग और एनी अदर इक्विपमेंट्स जो बिजनेस में प्रॉपर्टी के वे में यूज हो रहे हैं उसे हम एसेट्स बोलेंगे। So, whenever an investment of cash or assets in the business by a businessman, it is termed as capital. बहुत सिंपल है, कैपिटल क्या है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ऑनर के द्वारा किया गया है, whether it can be in the form of cash भी हो सकता है और वो कोई assets भी हो सकती है, ठीक है? Let's move further. What is further? From the business point of view, कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल जो है क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है? अकाउंटिंग का एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है जो ये बताता है बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस एक अलग एंटिटी है एंड बिजनेस मैन एक डिफरेंट पर्सन है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सपोज कोई केस होता है अगर बिजनेस के ऊपर, तो उसके लिए जो है बिजनेसमैन पर्सनली लायबल नहीं होगा। लायबल होगा बट पर्सनली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगली एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए ही कैपिटल को लायबिलिटी कहा गया है, क्योंकि मिस्टर राम, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैश या एसेट्स जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है मिस्टर राम को। दैट्स व्हाई इट इज एन लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस इंक्रीजेस द कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट होगा या एडिशनल कैपिटल, वो आपके कैपिटल को बढ़ा देगा। व्हाट डज एडिशनल कैपिटल? ड्यूरिंग द ईयर में अगर बिजनेसमैन ने कुछ और कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, देन इट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। सेम एज लॉस एंड ड्रॉइंग्स डिक्रीजेस द कैपिटल। लॉस और ड्रॉइंग्स जो है डिक्रीज करती है आपकी कैपिटल को इन बिजनेस। ओके, लॉस समझ में आता है। व्हाट डज ड्रॉइंग्स मीन? ड्रॉइंग्स एन अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ऐसा अमाउंट जो प्रोपराइटर के द्वारा विदड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था मिस्टर राम, और मिस्टर राम ने जो है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने सन की एजुकेशन फीस के लिए जो है कुछ अमाउंट बिजनेस से विदड्रॉ किया है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग। इट विल बी नोन एज ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोपराइटर, सॉरी, विदड्रॉन बाय अ प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, कैपिटल को हम क्या क्या बोल सकते हैं? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, ऑनर्स इक्विटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी वॉट वी हैव लर्न, समराइज इट। कैपिटल, इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स। प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल इंक्रीजेस द कैपिटल, सेम एज लॉस एंड ड्रॉइंग डिक्रीजेस इट। ठीक है, ड्रॉइंग्स क्या देखी थी हमने? इट इज एन अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज, जिसमें हमने देखा था कि मिस्टर राम ने क्या किया है, अपने सन की एजुकेशन फीस के लिए जो है कुछ अमाउंट विदड्रॉ किया है। इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।